ये उसके सामने झुके नहीं, इसी से हम लोगों को बांध बांध करके अब भैरव की बलि देना चाहते हैं, सबको काटना चाहते हैं। हे द्वारकानाथ, आप आइए हमारा उद्धार कीजिए। यानी दूत बोल करके लगभग खत्म कर रहा था, तब तक देवर्षि नारद जी आए उसी सुधर्मा सभा में। तो देवर्षि नारद जी का भगवान ने उठकर स्वागत किया, सब लोग स्वागत किए। इसके बाद पूछे, कैसे आए आप, तो घूमते ही रहते हैं, फ्री परिव्राजक हैं, तो अवश्य हस्तिनापुर भी आप गए होंगे। भगवान पूछते हैं, आप हस्तिनापुर जरूर गए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, सारा समाचार ठीक है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से लेकर के इस पृथ्वी पर सब समाचार पता है, ठीक चल रहा है। लेकिन मैं एक संदेश लेकर के महाराज युधिष्ठिर का आया हूँ। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपको निमंत्रण दिए, लिखित दे दिए निमंत्रण। तब भगवान के सामने ये विचार संकट आ गया, क्या किया जाए, अपने शरणागत की रक्षा की जाए पहले, कि अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में शामिल हुआ जाए, क्या करना चाहिए। भगवान शंकर में पड़ गए, लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ही मेरे नेत्र हो, मुझे अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, राजाओं की, कि अपने संबंधी के यहाँ युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि आप जो कहेंगे उचित सलाह होगा वही हम करेंगे। तो क्या भगवान अपने से नहीं समझ सकते थे कि क्या करना चाहिए? लेकिन भाई बहुत बड़ा नीतिज्ञ आया है स्वर्ग से पढ़ करके, उसकी बात प्रमाण होगी ना। भगवान तो अभी केवल उज्जैन में पढ़े थे और उद्धव जी स्वर्ग से पढ़कर आए थे, और सबसे भारी गुरु से, सबसे बड़े पंडित से, बृहस्पति जी से। भगवान आदर दे रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा, हमारे समझ से सबसे पहले यज्ञ में जाना चाहिए। यज्ञ वही कर सकता है, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे राजाओं को बस में कर लिया। हमारी राय है कि आपको चलना चाहिए पहले हस्तिनापुर, और वहाँ से महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर के फिर विजय करना है इधर उधर, तो अवश्य जरासंध को भी जीतना होगा। तो उद्धव जी ने कहा कि जरासंध के साथ सेना लेकर के युद्ध करना खतरनाक, सबको मार डालेगा, वो नहीं मारेगा। मेरी राय यह है कि आप जाइए गिरिब्रज और अपने साथ भीमसेन और अर्जुन को ले लीजिए, और भीमसेन से उसका युद्ध कराइए, और आप लोग ब्राह्मण के रूप में जाइए ये उद्धव जी की राय थी। ब्राह्मण के रूप में जाएंगे तो ब्राह्मण को अपना सिर भी दे सकता है, इतना मानता है ब्राह्मण को। आप अपने वेश में मत जाइए, सब लोग ब्राह्मण के रूप में जाएं, और जा करके उससे भिक्षा मांगिए। जब कहे कि जब कह दे कि हाँ दूंगा, तब आप मांगिए कि हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध करना चाहते। तो युद्ध में आप मत लड़िएगा उसके साथ, आपसे लड़ेगा भी नहीं वो, अर्जुन के साथ नहीं लड़ेगा, भीमसेन के साथ लड़ेगा। और आप साथ में रहेंगे, जब दंगल होगा आप जब रहेंगे तो भीमसेन वध कर देंगे उसका। इतनी राय, ये प्लान बना द्वारिका में यज्ञ में जाने से पहले। उद्धव जी ने ये परामर्श दिया भगवान को, तो भगवान ने बहुत सराहना किया, बहुत अच्छा। इसके बाद गए, तो वहाँ जा कर के महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लिए। भगवान थे और सभी भाइयों को दिशा बांट रहे थे, तुम पूरब में जाओ, राजाओं को परास्त करो, उनसे कर लो, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को पूरब में,
भेज, सब भाई धन लेकर के आए कैसे कैसे, तो भगवान अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के गिरी ब्रज गए। गिरी ब्रज लगभग पटना के पास है, तो वहाँ गए। वहाँ का राजा था जरासंध, और पृथ्वी के जितने भी राजा थे, क्षत्रिय थे, सब उसके दास थे। अर्जुन यहाँ तक कहे हैं उसके लिए कि राजा जरासंध जमीन पर पैर नहीं रखता था, राजाओं के मस्तक पर पैर दे करके चलता था। यह एक भाव है कि मतलब समस्त राजा उसके चरणों की धूली के समान व्यवहार करते थे, इतना प्रचंड राजा थे जरासंध। और वो भी बीच में वेल्डिंग किया गया था, जोड़ा गया था जरा नाम की पिशाची द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा, जरा ने जोड़ा था। जब उसका जन्म हुआ तो आधा आधा जन्म हुआ, एक आंख और एक हाथ, पूरा शरीर आधा, तो इसको फेंक दिया उसके माँ ने, घर के पीछे कहीं फेंक दिया। तो जरा नाम की एक पिशाचिनी स्त्री थी, वो दोनों को सटाई और सटा करके कहने लगी जीव जीव जीव, जी गया, कोई भी चिन्ह नहीं रहा कि ये ऐसे फटा हुआ जन्म लिया था। पर इतना कमजोर व्यक्ति भी आगे चल करके जरासंध हुआ और सारे पृथ्वी को बस में रखा था। कंस, शिशुपाल, ये सब इसके चेला थे। कंस तो खास दमाद ही था, शिशुपाल, दंतलवक, प्रसाल, रुक्मी, ये सब इसके अधीन थे, चेला थे। तो भगवान गए गिरी ब्रज, वही कथा कह लेते हैं, तीनों ब्राह्मण के वेश में थे। तो गए जाकर के सीधे गेस्ट हाउस में ठहरे, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं था, अतिथि शाला में ठहरे। तो नियम से अतिथि सब अतिथि भवन में जाता था जरासंध पूछने के लिए, कौन अतिथि आए हैं, क्या स्वागत किया जाए। तो गया तो देखा आज विलक्षण अतिथि आए हैं, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हैं। भगवान भी ब्राह्मण का तिलक किए थे। ब्राह्मण का तिलक मतलब ऐसे सीधा ऊर्ध्वपुंड होता है, त्रिपुंड, ये सब ब्राह्मण का तिलक नहीं है, ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। पहले के सब ब्राह्मण वैष्णव होते थे। तो गए ठहरे, वो आया, आया तो इसके बाद प्रणाम किया, वो राजपूत था इसलिए ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद स्वागत किया, पूछने लगा तो हम तो स्वयं पाकी हैं कि मैं बनवाऊं। पहले वो कहे कि हम लोग बाद में देखेंगे, भोजन जहां तहां नहीं किया जाता है। वो लोग भगवान बोल रहे, तो उन्होंने सिखाया था भीमसेन और अर्जुन को बीच में बोलना मत, हमको बोलने दे, कोई गड़बड़ी हो जाए हम बोलेंगे। तो भगवान बोले कि महाराज हम लोग बहुत दूर देश से आए हैं, मतलब हस्तिनापुर मथुरा ये सब दूर ही है द्वारका, वहाँ से आए हैं और हम आपसे कुछ दान मांगने आए हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको देंगे जो भी चाहिए आप मांगिए, ब्राह्मण हमको बहुत प्रिय। जब कह दिया कि हम देंगे तब भगवान ने कहा देखिए महाराज, और फिर बाद में सोचने लगा कि कहीं ना कहीं इनको मैं देखा हूँ, जरासंध सोच रहा है 18 बार तो मथुरा में ही भेंट हुई थी,
कहीं देखा हूँ, चेहरे से पता चल रहा है। और भगवान कृष्ण का, अर्जुन का, भीमसेन के कलाई को देखा कि इस पर धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ है। धनुष जब चलाते हैं तो डोरी जो होती है यहाँ से टकराती है, तो दिखा बाह खुला थे लोग, लगता है कि ये लड़ाकू हैं, कोई क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। देह से पता चल रहा था कि ये क्षत्रिय है। तो फिर सोचना, कोई भी हो, अगर क्षत्रिय भी होंगे पर हमारे पास ब्राह्मण बन करके आए हैं तो मैं ब्राह्मण उचित स्वागत करूंगा, कोई बात नहीं। अरे हमारा क्या बिगड़ेगा, हमको यही करना चाहिए, हमारा धर्म है अतिथि की सेवा, ब्राह्मण की सेवा। जैसे बलि महाराज ने किया, वो विष्णु आया था भिखमंगा बन करके, बामन बन करके, लेकिन जस तो बलि का ही बढ़ा, बामन का क्या जस बढ़ा, भीख मांगने से जस बढ़ता है। सोच, यद्यपि बामन भगवान राज मांग लिए बलि से, बलि के गुरु ने बताया कि ये विष्णु है, पर जान बुझ करके भी बलि महाराज ने दे दिया। वैसे ही मैं हूँ, मैं जान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आखिर आए हैं तो कुछ हमारे भय से ना, जो कुछ चाह होगी, लालसा होगी, उसको मानने के लिए आए। तो निर्णय करता है कि ये अगर हमारा सिर भी मांगेंगे तब भी मैं दे दूंगा। सोचने लगे, तब भगवान ने कहा, महाराज हम अन्न के भूखे ब्राह्मण नहीं हैं, हम भोजन के लिए नहीं आए हैं, और हम ब्राह्मण हैं नहीं वास्तव में, ये मैं आपका प्रसिद्ध दुश्मन कृष्ण हूं, आप मुझे पहचान लिए, और ये जो मोटे शरीर वाले हैं ये हमारे फूफा के दूसरे पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज के बाद, इनका नाम आपने शायद सुना होगा, भीमसेन इनका नाम। और ये जो उनसे पतले शरीर वाले हैं ये तीसरे भाई हैं, इन्हीं के सहोदर भाई हैं, भीमसेन के भाई। तो हम आए हैं यहाँ आपसे युद्ध की भिक्षा मांगने, और आपने कहा ही है कि हम देंगे। इतना सुनते ही ठठा करके हंसा जरा संध, खूब हंसने लगा है। अरे तो ये नाटक क्यों किए हो? मैं सोच रहा था कि ये लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। तो उसने कहा, युद्ध की भिक्षा तो ठीक है, मैं तुम लोगों को दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे साथ लड़ने में हमारी बेइज्जती है। तुम क्षत्रिय में जदुवंश में जन्म लेकर के अपनी राजधानी मथुरा छोड़कर भाग गए हमारे डर से, तुम्हारे साथ तो मैं लड़ूंगा नहीं, हमारी बहुत नाक कट जाएगी तुम्हारे साथ लड़ने में। अच्छा, ये जो पतले शरीर वाले हैं ये आयु में छोटे हैं, इनके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये हमारे हमसे बल में बहुत कम है, तो अपने से निर्बल के साथ नहीं लड़ना चाहिए, जो जोड़ हो अपना, एक समान बलवान हो उसके साथ लड़ना चाहिए। ये भीमसेन, हाँ इनके साथ मैं युद्ध करूँगा, तुम दोनों देख सकते हो, तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण को तो इतना हीन कहा, तुम तो डरपोक हो, तुम क्या मेरे सामने टिकोगे, इसलिए तुम किनारे हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूँगा। ये भीमसेन है, ये मेरे समान बल वाले हैं, इनके साथ युद्ध करूंगा। इतना कह करके, और तो पूछा कि पहले खा पी लो, इसके बाद ठीक है, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय भी खाना चाहिए ना। खिलाया पिलाया खूब अच्छा से, स्वागत सत्कार किया, इसके बाद भीमसेन को कुछ देर के बाद एक गदा दिया, दो गदा लाया, गदा युद्ध करना था, और कहा कि ले लीजिए जो गदा आपको चाहिए, एक ही समान गदा थे। तो एक भीमसेन लिए, एक ले करके, और वहाँ
के स्टेडियम में दोनों गए. जनता तो पहले से जुटी थी, भरा था सारा समाज. क्या युद्ध होने वाला है राजा जरासंध का युधिष्ठिर के भाई से. युद्ध होने लगा, युद्ध निर्विशेष हो रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था. लड़ते लड़ते गदा का वार करते थे एक दूसरे के शरीर पर, तो दोनों गदा ही टूट गई. हाथ नहीं टूटा, गर्दन नहीं फूटा, गदा ही टूट गई. इतने विलक्षण वीर थे वे लोग. गदा में आपस में रगड़ होती थी, लेकिन शरीर पर आघात भी वज्र के समान आघात हो रहा था. गदा टूट गई. जब गदा टूट गई तब हाथ से युद्ध करने लगे पहलवानी. कई गदा टूटी, वही केवल दो ही नहीं, कई गदा टूट गए. तो हाथ से युद्ध करने लगे. युद्ध करते करते 27 दिन बीत गया. एक दिन रात में भीमसेन कहे कि भैया मैं पार नहीं पाऊंगा जरासंध से. तो भगवान ने रात में कथा कहा कि अरे ये जोड़ा हुआ व्यक्ति, इसको केवल फाड़ना है किसी उपाय से, किसी उपाय से फाड़ना है. और मैं युद्ध के समय रहूंगा, मैं एक सीख लेकर के चीरूंगा, आप ध्यान से देखिएगा. तो किसी तरह से उसको पटक करके एक टांग ऊपर खींचिए और एक टांग को पैर से दबा लीजिए और खींच दीजिए, वो फट जाएगा. उसके जन्म की कथा को सुनाया भगवान ने. तब 28वें दिन युद्ध में भीमसेन गए. युद्ध होने लगा, पसीना पसीना हो गए भीम, कोई अवसर नहीं मिल रहा था. लेकिन भगवान ने वहाँ थोड़ा इशारा किया, वे पटक दिए जरासंध को पकड़ कर. पटकते ही अपने एक पैर से उसका एक पैर दबा लिए, एक पैर को जमीन पर रखे थे और दूसरे पैर को हाथ से ऐसे ले करके और तुरंत खींच दियो, फट गया. और एक टुकड़ा को उन्होंने फेंका दूर पूरब, एक को पश्चिम, जिससे फिर जुड़ने ना पावे. उसके बाद हाहाकार मच गया, अरे जरासंध महाराज मर गए. इसी जनता हाहाकार करने लगी. लेकिन अब हाहाकार करने से क्या होगा, जरासंध को जो मार दिया उसके सामने अब कौन आने वाला था. और भगवान कृष्ण और अर्जुन खूब खुशी में उछलने लगे. महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा ही समझो. 20,000 राजाओं को कैद किया था, फिर भगवान कारागृह में गए, उनको मुक्त किए. ये सभी राजा भगवान का दर्शन किए. भगवान ने उनका स्वागत किया. उसके पुत्र का नाम था सहदेव, जरासंध के पुत्र का. तो वो सभी राजाओं को पोशाक दिया, सवारी दिया, अच्छा से खिलाया पिलाया. उन्होंने भगवान की स्तुति की और सभी प्रोमिस किए कि हम महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आएंगे. सभी राजा, 20,000 राजा तो वो आए और यज्ञ में सहायता देने के लिए अनेक सामग्री लाए, धन लाए, पैसा लाए. ये लोग भाग लिए थे. तो इस तरह से एक कथा आ गई. मूल कथा यह है कि उद्धव जी श्री कृष्ण को परामर्श देते थे और भगवान बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करते थे, स्वयं पूछते ही थे. यह भी एक माधुरी है भगवान की लीला की. किसी व्यक्ति को अपने को ही पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए. तो भगवान सब तरह से पूर्ण है, सभी काल और देश के ज्ञाता हैं, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए सब जानते हैं. फिर भी एक बहुत ही पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति का वे परामर्श लेते थे. ऐसा नहीं कि अब हम ही भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, तो किससे क्या पूछना है. ठीक है, भगवान हैं, फिर भी पूछते थे. तो जो भगहीन है उनको क्यों नहीं पूछना चाहिए. जब भगवान भी पूछते हैं, राय लेते हैं, तो पूछना. ऐसे महान व्यक्ति को भगवान ब्रज में भेजे थे और ब्रज में जा करके वो
देख रहे थे नंद बाबा के प्रेम को, यशोदा जी के प्रेम को, और जो सबसे बड़ा विद्वान है, जानकार है शास्त्रों का, बृहस्पति जी से पढ़ा है, तो जानता है कृष्ण प्रेम ही सार है। तो कृष्ण प्रेम जहाँ दिखाई पड़ा जिस समाज में, वहाँ उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसी प्रशंसा में बोलते हैं कि जुआम श्लाघ्य तमौ नूनम देहि नामि हमानद नारायणे खिल गुरव जत कृता मतिरिदृश। अखिल गुरु, सबके जन्मदाता, सबके पोषक, ज्ञानदाता भगवान नारायण में जो ऐसी मति की है, उनको भी अपना पुत्र मान करके और उनके प्रति ऐसा स्नेह कर रहे हैं, ईदृशी मति कृता, ऐसी मति, तो आप लोग धन्यतम हैं इस संसार में, परम प्रशंसा के योग्य है, कृतार्थ हैं। ईदृशी मति कृता, ये बहुत प्रेरणाप्रद वाक्य है। ऐसी मति किया भगवान के प्रति, सबके पास अपनी अपनी मति है और अपनी मति से ही कोई भगवान पर विचार करता है, भगवान क्या है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान कितना मधुर हैं, कितना ज्ञानी हैं, कितना धनी हैं, और उनके प्रति हमारी मान्यता जो है, उनके साथ अपने संबंध की धारणा, इसी को मति कहेंगे। तो ऐसी मति आप लोगों की कृष्ण के प्रति है, भगवान के प्रति है, तो आप धन्य हैं। अपनी अपनी मति से ही व्यक्ति भगवान की धारणा करेगा, अपने पास जैसी मति है, मान्यता है, बुद्धि है, उसके अनुसार। श्री कृष्ण के साथ तो अर्जुन ने संबंध किया, अर्जुन क्या मानते हैं कृष्ण को, युधिष्ठिर महाराज क्या मानते हैं, जसोदा जी, नंद जी क्या मानते हैं, ब्रज के सखा और भी भक्त हैं, वो अपनी अपनी मति से भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, पर नंद जसोदा की जो मान्यता है कृष्ण के विषय में, सबसे श्रेष्ठ। मति की बात याद आती है तो हमें ये भी स्मरण आ जाता है, कुछ लोगों की मति है कि भगवान को पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो भगवान को एक प्रकार से गाली देना है ना, ये किस काम की मति है। भगवान के अंगों का वर्णन शास्त्र में है, उनके आँख का, उनके पैर का, उनके हाथ का, उनके वक्षस्थल का, उनके जांघ का, सभी अंगों का वर्णन है, परम सुंदर। और ऐसे भगवान के प्रति जिन मूर्खों की मति है कि भगवान एकदम निराकार है, निराकार में मुख पद्म होगा, हस्त कमल होगा, चरण कमल होगा, ये तो शास्त्र में वर्णन है ना, इसको कौन डिनाई कर सकता है, कौन नकार सकता है। ऐसे परम सुंदर भगवान के प्रति कोई भाव, कोई नाता तो दूर की बात रहे, उनके स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ स्वीकार भी करते हैं तो भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं, जैसे राम और कंस, तो कोई भाव है ही नहीं। वहीं पर भगवान के स्वरूप के लिए उनमें पुत्र बुद्धि करके नंद महाराज, यशोदा इतने विकल हैं स्नेह से, और वहीं पर कंस उनसे डरता था, कंस कृष्ण से बहुत डरता था, भय बस उसका मन लगा रहा। तो खैर वे लोग भी सौभाग्यशाली थे कि भगवान के रूप को मानते थे, भले उनसे द्वेष करें चाहे झगड़ा करें, लेकिन कुछ इतने बेहुदे हैं इस संसार में, इतने डल मूर्ख हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई रूप ही नहीं है, ये महद अपराध है। चैतन्य भागवत में बताया गया है, अगर जो ये कहता है कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं, आँख नहीं, तो ये भगवान के अंगों को काट रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हमारे अंगों को काट रहे हैं।
कैसे ये मति हो जाती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है? कोई ये दलील दे कि भाई हम ऐसा सुने हैं, लेकिन सुनने वाला भी, सुनाने वाला कहेगा कि हम भी किसी से सुने हैं। अंत में पूछा जाए कि कौन इस पंथ का प्रवर्तक हो गया है, कौन इस बात का प्रचार किया कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कौन इस बात को कहा? कोई परंपरा नहीं। परंपरा तो ब्रह्मा जी से चली है, श्री जी से चली है, और संकर्षण देव से चली है, चार कुमारों से, और भगवान शिव से। शिव जी हमेशा भगवान के रूप का वर्णन किए हैं अपनी पत्नी से, भवानी जी से, और ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं भगवान के रूप का वर्णन, वेणुम कोणंत मरविंद दलायताक्षम। ये चार जो परंपरा है आचार्यों की, इसके अलावा कोई परंपरा नहीं है। कोई बीच में सियार जैसा हुआ हुआ लिख दिया कोई किताब, बस चलो ये उसी को पढ़ते हैं, कोई परंपरा नहीं है। भगवान में ऐसी मति होनी चाहिए, जत किताब कृतम मति रिद्र से इथम भावम इथम अनुरागम, और ईदृशी मति, ऐसी मति, और किसके प्रति? भगवान के प्रति ऐसी मति। मैंने सौभाग्य की बात है कि ऐसी मति भी मैंने देखा, इस ब्रज में आकर के मैंने देखा कि भगवान कृष्ण से कैसा स्नेह होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। ईदृशी, ईदृशी का अर्थ है कि ऐसी, बस इसके समान ऐसी ही, न सुना न देखा था पहले, ऐसी मति उसको मैं आज देख रहा हूं। प्रशंसा करते हैं, कहते हैं ये श्री कृष्ण बलराम, ये नारायण हैं, भगवान हैं, तो उसी भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि ये जगत के जन्मदाता हैं और इसके साथ साथ कंट्रोलर भी हैं। एतौ हि विश्वस्य च बीजजोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूते सुविलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसा तैमौ पुराणौ। एतौ, ये कृष्ण बलराम हृदय में आरूढ़ हैं, कृष्ण बलराम हैं मथुरा में, लेकिन उद्धव जी कहते हैं एतौ, एतौ माने ये जो हृदय में स्फुरित हो रहे हैं, ये दोनों कृष्ण बलराम विश्वस्य बीज जोनी, ये दोनों निमित्त कारण हैं और उपादान कारण भी हैं। निमित्त कारण मतलब लचयिता भी और उपादान कारण वस्तु के रूप में भी। रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम्, ये प्रश्न होता है, बीज और जोनी तो पुरुष और प्रकृति है, प्रधान प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति उपादान कारण है और पुरुष निमित्त कारण है, कैसे इन दोनों को कह रहे हैं कि ये बीज और जोनी है? तो कहते हैं यही दोनों पुरुष और प्रधान हैं, पुरुष और प्रकृति हैं। अच्छा, इस तरह से ये कह करके उद्धव जी ये कहना चाहते हैं कि ये जन्मदाता हैं विश्व के, विश्वस्य, विश्व में जितने भी जीव हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जितने भी जीव हैं सबके जन्मदाता ये दोनों हैं, इस वाक्य द्वारा कहा गया है। और यही कंट्रोलर हैं, नियंता हैं सारे विश्व के, समस्त जीवों के, ब्रह्मादि सबके, तो उसको कह रहे हैं अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ। और इमौ पुनः उक्ति कहे दो बार, पुनरुक्ति है यह, एतौ और इमौ, यही दोनों, अन्य कोई नहीं, कृष्ण बलराम ही कारण हैं इस विश्व के, जन्मदाता हैं और कंट्रोलर हैं, ये कह रहे हैं अन्वीय प्रविश्य भूतेषु, सभी जीवों में ये दोनों प्रवेश करते हैं और
विलक्षणस्य ज्ञानस्य च इसाते, जीव है इस शरीर से और विश्व से भिन्न है, जीव चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, चेतन है, और ये जड़ जगत शरीर आदि जो है अलग है, तो इससे वो विलक्षण है जीव। यहाँ ज्ञान का अर्थ है ज्ञान स्वरूप जीव, जीवस्य, श्रीधर स्वामी ने लिखा है, जीव को वही कंट्रोल करते हैं दोनों, विलक्षणस्य ज्ञानस्य जीवस्य इति, ज्ञान स्वरूप चिन्मय जीव के यही कंट्रोलर हैं। कहाँ भूतेषु अन्वीय, सभी शरीरों में प्रवेश करके और जीव का नियमन करते हैं। तो इस विश्व के विश्वस्थित समस्त जीवों के यही जन्मदाता हैं और यही नियामक हैं, कंट्रोलर। ज्ञानस च ईसाते, जन्मदाता तो हैं ही, ईसाते माने ईसन, नियमन भी करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इमो पुराणो, और इनका कोई कारण नहीं है, ये सर्व कारण कारण हैं, क्योंकि अनादि हैं। अनादि, अनादि का अर्थ होता है कि इनका कोई आदि नहीं है, इसका अर्थ है अनादि, इनसे पहले का कोई नहीं है, कृष्ण बलराम से पहले का कोई नहीं है, यही सबसे पहले के हैं, अनादि हैं और सर्वादि हैं, सबके कारण हैं। इमौ और एतौ, दो बार एक ही बात का प्रयोग हो रहा है, ये दोनों, तो इसके द्वारा उद्धव जी ये कह रहे हैं कि बस यही और कोई नहीं, यही कारण है। इसके निर्धारण के लिए दो बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इमौ, यही सबके हृदय में हैं, कंट्रोल करते हैं और सबको जन्म दिए। और अब प्रशंसा जो किए थे कि आप श्लाघ्यतम हैं, उसी के लिए फिर वाक्य कह रहे हैं, जीवन भर कोई आदमी विमुख रहे कृष्ण से, एक मिनट भी जिसका मन नहीं लगा है, पर ऐसा सांसारिक व्यक्ति भी कदाचित संजोग से, किसी वैष्णव के संग से या भगवान की कृपा से, प्राण वियोग काले, प्राण जब छूट रहा हो, उस समय यदि क्षण भर के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण कर ले, तो वह भी इस शरीर को छोड़ करके और सीधे अर्क वर्ण दिव्य ज्योति में बन करके, भगवान का पार्षद बन करके और वैकुंठ जाता है। उद्धव जी कह रहे हैं जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, किसी तरह से उनके साथ संजोग हो जाए, और इंद्रियों का संजोग तो छोड़ दीजिए, मन से भी यदि संजोग हो जाए और क्षण भर भी, फिर भी वो वैकुंठ जाता है। और आपका तो मन लगना क्या कहा जाए, आप तो दिन रात केवल कृष्ण में ही लगे हैं, आपका मन, आपकी इंद्रियां सब कृष्ण में लगी हैं, तो आपके श्लाघ्यता के विषय में क्या संदेह हो सकता है, आप धन्य हैं, कृतार्थ। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम् समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमासु जाते पराम गतिम् ब्रह्ममयोर्क वर्णः। यस्मिन्, दोनों को एक में कह रहे हैं, कृष्ण बलराम को एक में, जिस कृष्ण में, जनः, यह कश्चित जनः, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, यहाँ जन शब्द से मनुष्य ही अर्थ नहीं है, कोई भी जीव किसी भी शरीर में हो, और मनुष्यों में भी कोई किसी भी दशा में हो, लेकिन शरीर वियोग के समय, प्राण वियोग काले, प्राण के वियोग के समय, जस्मिन क्षणम मनः समावेश्य, क्षण काल के लिए भी, थोड़े काल के लिए भी मन को लगा दे, मन से चिंतन कर दे कृष्ण का, और मन कैसा है, विशुद्धम, यहाँ विशुद्धम का अर्थ है केवलम, विशुद्धम का अर्थ प्योर नहीं हुआ, केवलम अर्थ है, केवलम का अर्थ है केवल मन को लगाया, उस समय न तो भगवान के बारे में बोल सकता है, न सुन सकता है, न कुछ चल सकता है, न परिक्रमा आदि नहीं कर सकता, शरीर इतना शिथिल हो जाता है, पर किसी तरह से यदि भगवान में मन उसका चला जाए,
तो निर्हित कर्माशय मास जाती, अपने कर्माशय को दग्ध कर देता है, कर्म का कोष जल जाता है, कर्म बंधन खत्म हो जाता है और पराम गति में जाती, वह परम गति को प्राप्त करता है। परम गति जीव के लिए है भगवान का धाम, इसी को परम गति हमेशा कहा गया है। तो पराम गति को प्राप्त करता है क्या हो करके, ब्रह्ममय भगवत पार्षद बन जाता है, चिन्मय, और उसमें जड़ शरीर आदि नहीं रहता है, स्पिरिचुअल स्वरूप।